हेलो गाइस, वेलकम टू दिजमडी देश। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एमसीयू से रिलेटेड काफी कमाल के दमदार अपडेट के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में, मूवी के अपडेट के बारे में, कुछ रूमर्स के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे मार्वल टॉयज के बारे में, जिसमें कि एक ईस्टर एग मिला है जो कि काफी कमाल का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द इंटरनल्स की सेट इमेजेस के बारे में, जिसमें कि एक चीज कंफर्म हो जाती है इमेजेस को देखते ही कि इसमें हमें रोमांस देखने को मिलेगा। किट हैरिटंग में और गीमा चैन में दोनों एक साथ किस कर रहे हैं। सेट इमेजेस में ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इनमें लव इंटरेक्शन होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, तो ये मूवी काफी यूनिक और कमाल की होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हो गे लेस्बियन टाइप के कैरेक्टर। तो देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर क्या होने वाला है। उसके बाद मार्वल ऑफिशियली वर्क कर रहा है डिफेंडर्स के कैरेक्टरों पर। अब कौन से कैरेक्टर रिटर्न होंगे दोबारा से, अब ये कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से अगर ओल्ड वाले कंफर्म हो जाए तो मजा आने वाला है, क्योंकि वो मुझे सारे के सारे पसंद है, जिसमें कि डेयरडेविल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया है, पॉसिबिलिटी शायद वो इन फ्यूचर ना आए, पर देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सब कुछ चेंजेस हो जाते हैं। इंटरनल्स का एक ऑफिशियली HD कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च कर दिया गया है, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, तो काफी कमाल का लग रहा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ऑफिशियली सेट इमेजेस आई हैं, जिसमें कि नई लोकेशन दिखाई गई है, और साथ ही साथ पेगी कार्टर भी काफी कमाल की लग रही है इसमें। जी हाँ, एक नए अवतार में, एक नई कॉस्ट्यूम में, तो थोड़ी नॉर्मली लग रही है, पर मुझे लगता है कि शायद ये एक नया जासूसी अड्डा खोलने वाले हैं और किसी मिशन पे भी काम कर रहे हैं। उसी के साथ आप बात करते हैं क्रिस्टन बेल के बारे में, जो कि बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करते थे। अपडेट ये आया कि वो थॉर मूवी में काम करेंगे फ्यूचर में। अब कौन सा कैरेक्टर, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मार्वल स्टूडियो के पास ऑफिशियली राइट आ चुके हैं हल्क के और नेमोर के, ये एक फुल राइट्स हैं जो कि उनके पास आ चुके हैं, तो फ्यूचर में वो इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। देन उसी के साथ थॉर की शूटिंग हो जाएगी अगस्त के महीने से। जी हाँ, अभी हाल ही में जो अपडेट आए हैं, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इसकी सेट इमेजेस का, कि हमें कैसे क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलेंगे एक नए अवतार में। वांडा विजन की एक नई कलर इमेज आई है। जी हाँ, ये वही इमेज है जो कि ब्लैक एंड वाइट में लॉन्च करी गई थी, पर इसकी एक कलर इमेज आ चुकी है, काफ़ी कमाल की लग रही है। केविन फाइगी ने अभी हाल ही में बात कर रहे हैं ABC चैनल से, जो कि वो सारी मार्वल टीवी सीरीज और टीवी चैनल पे दिखाना चाहते हैं, पर ये तो चैनल इंडिया में आता ही नहीं है, तो हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा ये अपडेट बता दूं। मॉर्बियस का ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, सभी को पता है, और ये मूवी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में लॉन्च होगी, वो भी 31 जुलाई को, तो इंतजार करिएगा हिंदी में मूवी लॉन्च होगी। उसी के साथ एक अपडेट काफी कमाल का, JJ अभी हाल ही में इनका रिलेटिव रूमर ये है कि ये इस मूवी में होंगे, तो यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रॉपर तरीके से सोनी से कनेक्ट हो चुका है। और ट्रेलर में जब हमने एंडिंग में देखा कि माइकल कीटन का इसमें कैमियो हुआ है, जो कि वल्चर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो मैं तो और ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। साफ साफ नजर ये आता है कि मॉर्बियस, फिर माइकल कीटन यानी कि वल्चर, JJ, वेनम, हमारा शॉकर, स्कॉर्पियन, तो यानी कि सोनी और मार्वल एक साथ मिलकर पूरा एक सिनिस्टर सिक्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी कि खुद का स्पाइडरमैन का एक यूनिवर्स, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं टॉयज के बारे में। तो लीगो कंपनी ने फाइनली लॉन्च कर दी है ब्लैक विडो के ऑफिशियली टॉय, जो कि काफी कमाल के लग रहे हैं। पर इसमें नोटिस करने वाली चीज ये थी कि ब्लैक विडो के हाथ में पिम पार्टिकल्स लगे हुए हैं। जी हाँ, तो यानी कि वही पिम पार्टिकल्स जो कि फ्यूचर में आने जाने में काम आते हैं। तो देखते हैं कि मूवी में क्या दिखाने वाले हैं, पर मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि शायद ब्लैक विडो इन फ्यूचर में दोबारा रिटर्न हो सकते हो, और इस मूवी में कोई ना कोई हमें हिंट देखने को मिलेगी। और इस ट्रेलर को लॉन्च होने के बाद हमें एक और चीज़ पता चली कि ब्लैक विडो यानी कि हमारी स्कारलेट जॉनसन ने इस मूवी को एक्चुअल में प्रोड्यूस भी कर रही हैं, तो यानी कि इस मूवी में उनका पैसा भी लगा हुआ है। और एक बैड न्यूज़ है आपके लिए, एवेंजर्स जो गेम आने वाला था वो थोड़ा डिले कर दिया गया है, अब वो ये लॉन्च होगा सितंबर के महीने में, तो बहुत गलत है। और एक काफ़ी प्राउड वाली न्यूज़ आई है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, तो क्रिस हेम्सवर्थ ने $1 million डोनेट करे हैं उन जानवरों के लिए जो जल चुके हैं, और उनका अब मेडिसिन का अच्छी तरीके से इलाज भी चल रहा है, तो यार काफ़ी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आपको भी ऐसा कोई मौका मिलता तो आप भी कुछ ना कुछ डोनेट करें, गरीब लोगों की मदद करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदी इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।